हाय ब्यूटीफुल मॉमीज एंड हैंडसम डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक मॉम, एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम अपने मिल्क सप्लाई क्या क्या चीज़ों से बढ़ा सकती है, घरेलू चीज़ जिससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ेगी एंड जिससे आप अपने बेबी को सेटिस्फाई कर सकते हो। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अवेयर रहूँ और मैं नया वीडियोज़ बनाऊँ उसके ऊपर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स जो आपको घर में ही होती है हम सबके पास, लेकिन हम सबको पता नहीं होता है कि इन सब चीज़ों से मिल्क सप्लाई बढ़ती है। तो पहला चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, पानी। बिकॉज आप जो मिल्क पिलाते हो अपने बच्चे को उसमें 70% से भी ज़्यादा पानी रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक फीडिंग मॉम को, एक नर्सिंग मॉम को, एक लैक्टेशन मॉम को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सजेस्टेबल है 4 to 5 liters, जो कि शायद ऑलवेज पॉसिबल ना हो, बट फिर भी आप कोशिश करें मैक्सिमम आप जितना पानी पी सकते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। सेकेंड चीज़ होती है, जब आप ब्रेस्ट फीड करने बैठते हो आपको पता है आप कब पिलाने वाले हो, उससे पहले आप एक ग्लास गुनगुना पानी अगर पी लेते हो तो इट्स रियली हेल्दी। और ब्रेस्ट फीड करने के बाद एक ग्लास पानी आप वापस पी सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तीसरा चीज़, मेथी दाना कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फेनिग्रिक सीड्स जो हम कहते हैं। मेथी दाना इज़ वेरी हेल्पफुल, अभी तक जो रिसर्च ने बताया है। जो सूखी मेथी होती है हमारे घर में, या फिर मेथी के साग भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो सूखी मेथी होता है जो हम छौंक में डालते हैं, यूजुअली कहा जाता है वो 1 या 2 teaspoon तक आप पूरे दिन में, एक एक दिन में आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 teaspoon तक ले सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है ये हीट है, ये सही नहीं है, ये आपकी बॉडी हीट को बढ़ा देती है, बट नहीं, लैक्टेशन मॉम कैन टेक अप टू 2 teaspoon और विच इज़ वेरी हेल्दी, जो कि आप भिगो के ले सकते हैं, जो कि आप भिगो के अपने जो अगर आप रोटी खाते हैं, फुलका खाते हैं, उसमें मैश करके खा सकते हैं, या फिर जैसे हम इंडियन कुकिंग में डालते हैं सीजनिंग के समय, दाल में छौंक लगा लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट कि आपको पूरा उसका न्यूट्रिशन जाए एंड वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करे। फोर्थ चीज़ हो गई गार्लिक। हर किसी के घर में अवेलेबल होती है गार्लिक। 3 से 4 garlic अगर आप खाते हैं किसी भी मोड में, चाहे आप उसको रॉ खा सकते हैं, रॉ खाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट फिर भी अगर आप उसको छौंक लगा के खाते हैं, अगर आप उसको खाने के साथ हल्का थोड़ा सा सॉटे करके राइस खाते समय पहले एक निवाला के साथ निगल जाएँ तो इट्स वेरी हेल्दी। पाँचवीं चीज़ है ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत ज़्यादा आपको खाना है ग्रीन वेजिटेबल्स। जैसे कि एक लैक्टेटिंग मॉम को कहा जाता है, अगर आप नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है 2 कटोरी आप सब्ज़ी खाएं, तो लैक्टेटिंग मॉम को कहा जाता है 3 से 3.5 कटोरी आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि आपका जो खाने का जो आपको बॉडी में इनटेक हो रहा है उससे आप अपने बेबी तक को खाना दे रहे हैं, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन अगर भरपूर ना रहे आपके बेबी तक नहीं पहुंच पाएगा। या सो 6 चीज़ है मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट, काउज मिल्क और भैंस का मिल्क जो भी आपको सही लगे, जो आप पीते हो वो मिल्क आपको 250 ml 2 times आपको एटलीस्ट खाना है एक लैक्टेटिंग मॉम को, जिससे कि आपका खुद का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है एंड इट्स हेल्दी फॉर यू, बिकॉज कैल्शियम की कमी नहीं होती है आपकी बॉडी में। अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ेगा एंड बाय द वे सप्लीमेंट इज़ वन ऑफ देम। डॉक्टर आपको खुद से ही सजेस्ट करेंगे कौन सा सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जाती है कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके घर में बने हुए जो मिठाई है, जैसे कि खीर हो गया, या फिर मूंग दाल का हलवा हो गया, या फिर सूजी का हलवा हो गया, कैरेट हलवा हो गया है, हम इंडियन फैमिलीज़ में ये बहुत ही कॉमन होता है कि लैक्टेटिंग मॉम को कहा जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, यानी अच्छी अच्छी चीज़ के नाम से बहुत ज़्यादा मिठाई खिला दिया जाता है जिससे हमको वेट पुट ऑन हो जाती है, और हर मिठाई में डेफिनेटली बहुत क्वान्टिटी घी रहती है। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, बट जब तक आप फर्स्ट 6 months में हो तब तक आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। एक तो मेथी सीड्स, एक तो बहुत ज़्यादा पानी पीना, थर्ड इज़ गार्लिक क्लोव्स, गार्लिक के जो फ्लेक्स होते हैं वो खाना,
फोर्थ इज मिठाई, अगर आपको खाना है तो होममेड स्वीट्स खाइए जैसे कि खीर वगैरह, और कोशिश कीजिए उसे गुड़ से या जैगरी से बनाने की, गुड़ यानी जैगरी से बनाने की, तो वो हेल्दी होता है आपके लिए। या ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं लाइक ए फीसफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, या फिर आप दूध के साथ खा सकते हैं जो कि आपके लिए भी बहुत हेल्दी होगा एंड बेबी के लिए भी हेल्दी होगा, एंड मिल्क प्रोडक्शन में भी आपको सहायता मिल जाएगी। सो दिस आर द थिंग्स जो मुझे बोलना था आपको कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सप्लीमेंट्स भी आते हैं मार्केट में विच यू कैन चेक विथ योर डॉक्टर्स, एंड प्लीज़ लेडीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आप हेल्दी रहोगे तो ही आपका बेबी हेल्दी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। कुछ भी नया जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल कम अप विथ न्यू वीडियोज एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज जो कि हर किसी के काम आएगी। बी सेफ, बाय बाय।